वेलकम स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू करके बाईजिंग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको सॉल्व करना है ठीक है नाउ सॉल्यूशन पार्ट सी इट इज प्रॉपर है इम प्रॉपर है फर्स्ट चेक करना है ए हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया बिकॉज एक्स का डिग्री टू है डिनोमिनेटर पार्ट में इधर न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री है ओके इधर डिग्री क्या है एक्स का जीरो है एक्स एक्स टू जीरो है वन होता है इसका एक्स स्क्वेयर टू होता है इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इधर ठीक है नाउ सिर्फ इस पार्ट को लेंगे हम वन बाय एक्स प्लस वन इन एक्स प्लस टू यही पार्ट लिख के सॉल्व करना है ओके सो यूजिंग प्रॉपर फ्रैक्शन सो ए हो गया ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस टू ओके okay. हमको क्या चाहिए ए एंड बी वैल्यू को फाइंड आउट करके इंटीग्रेशन किया तो हमको सोलूशन मिल जाएगा ठीक है नाउ दिस इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन होगा ये होगा ए इंटू एक्स प्लस टू होता है प्लस बी इन टू एक्स प्लस वन होता है डिवाइड बाय क्या आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू ठीक है इस तरह आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू ठीक है सो बोथ साइड ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या दैट इज ए वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन रह गया हमको a एंड b वैल्यू को फाइंड आउट करना है ठीक है नाउ क्या करना है इधर x प्लस टू इक्वल टू जीरो लेंगे और टेकिंग कोफिशेंट ऑफ x और टर्म मिले इस तरह भी हम ले सकते हैं ओके नाउ इक्वेटिंग इधर कोएफिशिएंट लेंगे इक्वेटिंग द कोफिशेंट्स ऑफ़ टर्म लेंगे, ठीक so, है टर्म। एंड सेकेंड वन टू ए प्लस बी इक्वल टू वन आएगा ए इक्वेशन कैसे गया? इस इक्वेशन को देखिए ओके दैट इज वन इज इक्वल टू इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये होगा ए एक्स प्लस टू ए बाद में ए बी एक्स प्लस बी आएगा टेकिंग कोपिशंट ऑफ एक्स लेंगे एक्स को ए प्लस बी इधर एक्स को नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में सो ए प्लस बीव टू जीरो हो गया एंड टेकिंग को नंबर लेंगे टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है टू ए प्लस बी इक्वल टू वन आ गया इधर ठीक है नाउ दैट इज इक्वल टू इधर क्या लेंगे ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा इस ए को इधर सब्स्टिट्यूट करना है ना देयरफॉर सो ए इज इक्वल टू क्या है इधर माइनस बी है सो ए इज इक्वल टू इधर माइनस टू बी आएगा प्लस बी आएगा दैट इक्वल टू वन और माइनस बी इज इक्वल टू वन देर फोर बी वैल्यू क्या आ गया इधर इधर माइनस वन आ गया बी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया सो बी को इधर सब्सुप करेंगे ना देर फोर ए इज इक्वल टू माइनस बी है सो माइनस ऑफ माइनस वन बी वैल्यू का माइनस वन है दैट इज इक्वल टू वन है सो ए एंड बी क्या है इधर सो वी गेट वैल्यूज आर ए इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया यही वैल्यू को इधर सब करना है ठीक है नदेर फोर वन बाय एक्स प्लस वन इन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इज वन है वन बाय एक्स प्लस वन बी क्या है माइनस वन है माइनस वन बाय एक्स प्लस टू इस तरह आ गया इधर सबशुट करना है बाद में इंटीग्रेशन करना है ठीक है नदेर फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू ओके ना इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस टू डी एक्स है इधर क्या आ गया इसको इंटीग्रेशन क्या है तो दैट इज ए लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस इसको सॉरी माइनस आएगा इसको इंटीग्रेशन किया तो लॉग ऑफ एक्स माइनस टू प्लस इंटरग्र कॉन्सेंट आएगा आपको प्रॉपर्टी पता ही होगा लॉग ए माइनस लॉग बी इज ए लॉग ए बाई बी ओके दैट इज ए लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स एक्स प्लस टू सॉरी एक्स प्लस टू प्लस सी ना दिस इज रिक्वायर्ड ए सोल्यूशन अगर आपकी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स भी दीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आपको दूसरे वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेस में जाइए और आई बटन में भी कुछ लिंक्स है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है थैंक्स फॉर वॉचिंग